हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चटनी बनाना बताऊंगी, जिसे हम सीख कबाब, बारबेक्यू, टिक्का, पनीर टिक्का, वेज नॉनवेज सब चीज़ के साथ यूज़ करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है, इससे हमारे खाने का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मैंने हाफ बंच हरा धनिया लिया है, 15 से 20 पुदीने की पत्ती ली है, 3 हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून लेमन जूस, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 पिंच काला नमक, ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। दही की चटनी ही हमें रेस्टोरेंट वगैरह में सर्व की जाती है, काफ़ी टेस्टी होती है। आइए मैं इसे आपको बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम ग्राइंडर में हरा धनिया डाल लेते हैं, पुदीना, हरी मिर्च इसे आप तोड़ के डाल लें, जीरा और नमक, इन सबको हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें सब मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से पेस्ट बन गया। हम दही में इस पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट बनाते टाइम जितना आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। साथ में ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, काला नमक, लेमन जूस 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, एकदम रेडी है ये बिल्कुल। आप इस स्टेज पे आके इसका सॉल्ट टेस्ट एक बार जरूर कर लें, उसके बाद इसे सर्व करें किसी भी तरह के कबाब के साथ, रोस्टेड चिकन या कुछ भी हो आप उसके साथ सर्व करें। देखिए रेडी हो गई एकदम दही की चटनी। आइए फ्रेंड्स, अब बनाएंगे इमली की चटनी। ये भी बहुत टेस्टी होती है, इसे भी सारे कबाब और रोस्टेड चिकन वगैरह के साथ खाते हैं। मैंने ये लिया है हरा धनिया हाफ बंच, 10 से 15 ये पुदीने की पत्ती, 2 हरी मिर्च, इमली का पल्प है ये 2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से ले लें। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल लेंगे, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, जीरा और इमली का पल्प, इन सब का हम पेस्ट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इमली की चटनी भी रेडी है, इसे भी मैंने पीस लिया है, इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी होती है। कबाब या फिर सीख कबाब है, रोस्टेड चिकन है, बारबेक्यू, किसी के साथ भी इनको आप सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। देखिए ये रेडी है, अब मैं आपको सबको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है चटनी, दोनों तरह की चटनी, दही की, इमली की, आप जिसे चाहें जिसके भी साथ चाहें इसे एंजॉय करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंजॉय करें अपने डिश को चटनी के साथ। थैंक यू।